बहुत थैंक यू फॉर 50,000 सब्सक्राइबर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, मैं बता नहीं सकता। इतनी अच्छी जर्नी थी, इतना मज़ा आया। सबसे पहले वेरी 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 थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर मेरे फेवरेट यूट्यूब। मैंने स्टार्ट किया था यार, 200 सब्सक्राइबर 250 थे, तो मेरे वीडियोज़ पे 2 लाइक्स आते थे, एक मेरी मदर का, मेरे सिस्टर का बुरा लगता था डेफिनेटली। अभी बहुत अच्छा जा रहा है। और उस बैच का नाम है लक्ष्य। लक्ष्य बैच में वो सारे बच्चे इनरोल कर सकते हैं जो ये चाहते हैं कि वो बोर्ड में फिजिक्स में 95% फोड़ दें और जेईई मेंस और नीट में अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करें। लक्ष्य बैच मेरे मोबाइल ऐप फिजिक्स वाला पे अवेलेबल है। फिजिक्स वाला ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैं नीचे कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वाला मोबाइल ऐप हैशटैग #1 ट्रेंडिंग में आ गया है, सारी कैटेगरी में, इंडिया की सारी कैटेगरी में हैशटैग #1 ट्रेंडिंग पे है फिजिक्स वाला ऐप। और इसका सिंपल सा रीजन है योर लव एंड योर सपोर्ट। पिछले 31-32 आवर्स में फिजिक्स वाला ऐप 150K से ज्यादा डाउनलोड हुआ है, 1.5 लाख से ज्यादा डाउनलोड हुए हैं पिछले 31-32 आवर्स ऑफ लॉन्च में। सो थैंक यू सो मच, ये हमारा आपका ड्रीम कम ट्रू है, 1.5 लाख डाउनलोड हैशटैग #1 ट्रेंडिंग। So, हम लोग ने प्लान किया अपना नीट का ड्रॉपर बैच एंड वी नेम्ड इट ऑन आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। शायद किसी को पता हो, हमारा पहला प्रोजेक्ट जो हमारे इस चैनल पे था, दैट वाज मिशन यकीन। सो आप कह सकते हो ये यकीन का ही दूसरा वर्जन है। सो हमने इस बैच का नाम दिया है यकीन, दैट मीन ट्रस्ट, दैट मीन्स बिलीव। So finally I have launched a 4 months course। बच्चों ध्यान सुने, क्लास 12th के वो बच्चे जो PCM लिए हों या PCB लिए हों या PCMB लिए हों, या PCM के हों या PCB के हों या PCMB के हों, सभी के लिए ये एक नया कोर्स डिजाइन किया है। और ये 4 months में आपके क्लास 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे सबसे ज्यादा फोकस होगा। कब तक? फरवरी तक, 10th फरवरी तक हम लोग इस बैच में क्लास 12th CBSE बोर्ड का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। बट हमारा मेजॉरिटी फोकस होगा रिड्यूस्ड सिलेबस में। क्या क्या पढ़ाया जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो बायो वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो पीसीएमबी वाले हैं, वो चारों सब्जेक्ट। कोर्स का नाम क्या है? कोर्स का नाम रखा गया है एक्सेलरेट। As per your request and as per your heavy request, we have finally launched the most affordable but the most quality delivery batch for JEE Mains, JEE Advanced 2021, known as the Prayas batch, where we will make the honest attempt for JEE 2021. The batch is exclusively made for all the dropper students जो 12th पास कर चुके हैं, साल ड्रॉप लिया है और नेक्स्ट 5 months के अंदर अपनी प्रिपरेशन को एक तगड़ा बूस्ट अप देना चाहते हैं। ओनली फॉर दो सीरियस स्टूडेंट्स जो सच में इस साल JEE Mains और JEE Advanced की परीक्षा को सिर्फ लिखना नहीं चाहते, साथ में उनको निकालना भी चाहते हैं। ये बैच उन लोगों के लिए है, नॉन सीरियस स्टूडेंट के लिए बैच बिल्कुल नहीं है।
तो आज फाइनली आई एम अनाउंसिंग अ फ्री बैच फॉर क्लास 11। बहुत समय से मेरे ऊपर ये क्लेम लगते रहे कि मैं बैचेस सेल करने लगा हूँ, मैं बिजनेस प्लान बनने आया हूँ, ऐसा नहीं। मैं एक मिशन पे हूँ और इस मिशन में मुझे फंड्स की नीड होती है, तो फंड्स मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा सपना था कि मैं यूट्यूब पे आके फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन भी डिलीवर कर सकूँ, आज करने जा रहा हूँ। एंड फिजिक्स वाला में आपको सिर्फ हम फिजिक्स नहीं मिलेगा, बट अब सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं मिलेगी, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और किसी के लिए नॉर्मल द बेस्ट अमंग द बेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। हासिल करवा देता है। जी हाँ, और उन्हीं लोगों में से एक है संगम नगरी के अलक पांडे। अलक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने हालातों को अपने सपनों के आगे आने नहीं दिया और आखिरकार उनके हौसले और जज्बे के आगे हालातों ने दम तोड़ दिया। तो चलिए आपको मिलवाते हैं प्रयागराज के अलक पांडे से। चर्चित शिक्षकों में शुमार अलक, जज्बे के आगे हालात ने तोड़ा दम, शिक्षा की अलख जगा रहे अलक पांडे। 4G इंटरनेट के दौर में जबकि खरीदारी से लेकर शादी तक सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऐसे में YouTube के जरिए इंजीनियरिंग मेडिकल की कोचिंग देकर प्रयागराज के अलक पांडे पूरी दुनिया में छा गए हैं। करीब 3 साल से वीडियो अपलोड कर फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी करवा रहे अलक आज यूट्यूब पर सबसे चर्चित शिक्षकों में शुमार हैं। JEE मेंस, JEE एडवांस्ड, इंजीनियरिंग प्रवेश की अन्य परीक्षाओं के साथ ही नीट और मेडिकल प्रवेश की तैयारी करने वाले देश दुनिया के करोड़ों छात्र छात्राएं हर महीने उनके वीडियो देखते हैं। मेडिकल के छात्र उन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि अलग बेहतर तरीके से उन्हें समझा पाते हैं। स्ट्रगल तो था काफी, इनिशियल डेज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी तो उनका गड़बड़ सेल हो गया था। पिछले 3-4 साल से हमको दिख रहा था कि बच्चे ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन आ रही थी और बच्चे बहुत तेजी से मोबाइल पा जाते हैं 10th में। अब वो मोबाइल पे कुछ भी देख रहे हैं ऑनलाइन, अब उनको अच्छे कंटेंट मिले पढ़ाई का तो वो भी देखेंगे। तो हमने देखा एक दो लोग कर रहे थे ऑनलाइन ये काम, हमें लगा कि इतनी अच्छी हम भी पढ़ा सकते हैं, उनसे अच्छी नहीं उतनी बराबर तो हम भी पढ़ा सकते हैं। फिजिक्स वाला नाम से उनके चैनल को यूट्यूब की ओर से गोल्ड प्ले बटन सम्मान मिल चुका है जो 10 लाख सब्सक्राइबर होने पर दिया जाता है। आज उनके चैनल के 18 लाख सब्सक्राइबर हैं। उनके लेक्चर मुख्य तौर से NCERT के सिलेबस पर आधारित होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री से जुड़े छोटे छोटे सिद्धांतों और फॉर्मूले को वो इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि कई बार स्कूल कोचिंग के टीचर तक बच्चों को अलग के वीडियो देखने की सलाह दे देते हैं। अलग अलग से कोचिंग नहीं पढ़ाते, छात्र छात्राओं की मदद के लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट भी बना रखी है। वेबसाइट पर निशुल्क नोट्स, किताबें, क्विज उपलब्ध करा रही है। मतलब मैं एक वीडियो डालता था नीचे उसके 40-50 कमेंट है कि अगला वीडियो का इसका वीडियो का इसका वीडियो का, मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ अगले इस वीडियो के लिए कमेंट करने से पड़ा कि ये तो हमने कुछ किया नहीं, उन लोग काम कराते जा रहे कराते जा रहे थे, हमें पता ही चला धीरे 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 एक साल भी किया करते थे। अलग पांडे यूट्यूब पर शिक्षा की अलग जगा रही है जिससे घर बैठे प्रतियोगी छात्रों को शिक्षा मिल रही है और लाखों की तादाद में अलग पांडे का लेक्चर प्रतियोगी छात्रों को फायदा पहुंचा रहा है। भारत समाचार के लिए प्रयागराज से धीरेन्द्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और केमिस्ट्री की फ्री ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। महज 2 सालों में उनके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर
Welcome all of you again to our beautiful sa channel Physics Wala, and I'm very 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 happy today because today we are going to launch a new revolution in Indian education. We are coming in foundation, we are coming in class 9th and 10th. Hamare sabse pyare khoobsurat se nanne munne bacche 9th 10th ke bhi ab फ्री और क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म से। बड़े ऑफर आते हैं और आपको ये बात पता है स्टार्टिंग से आ रहे हैं, आज नहीं, जब मैंने शुरू किया था तब मैंने बताया। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि मेरे को 500 रुपए का ऑफर किया था, आज मेरे को 75 करोड़ रुपए ऑफर करते हैं। आई डोंट गो आई एम माय ऑर्गेनाइजेशन, बट यू विल हैव टू सपोर्ट इट। माने ये जो हम लोग करना चाह रहे हैं ना कि अपनी आगे वाली जनरेशन, मतलब एक रिक्शे वाले का बेटा भी पढ़ पाए, अखबार बांटने वाले का बेटा भी आके यहाँ पढ़ पाए, 3,500 इंसान जुटा सकता है। वो जो हम करना चाह रहे हैं ना, फिर वो नहीं पाएगा कि धोबी का बेटा भी डॉक्टर बन जाए। अगर आप इस तरह से मेरे को डिमोटिवेट करोगे तो फिर आप अगले कहोगे पैसा नहीं है, ये कर लोगे, तो फिर मेरे को दिख जाएगा कि यार मेरे को 50 करोड़ मिल जाए, मैं 50 करोड़ लूंगा कोर्स के टाइम। एज सून एज एन इन्वेस्टर कम्स इन फिजिक्स वाला, ऑल द कोर्स प्राइसेस विल कम, अब इन्वेस्टर कैसे रोकेंगे, हम कैसे रोकेंगे, ये जो आप फीस देते हैं उसी इंसान से जो वाला को बिल्डअप करते हैं, नई नई चीज़ें लेके आते हैं, टीचर लेके, हम कभी नहीं ला पाते। और अपने विजन पे मैं रुका हूँ, मैं विजन नहीं तोड़ा, ये आप भी करना, विजन नहीं, जैसे आज नीट में सिलेक्शन नहीं हो तो विजन मत तोड़ना अपना लाइफ। मेरे को जब प्रॉब्लम थी तब मुझको वो लोग खरीद नहीं पाए, तो अब मुझे क्या खरीदेंगे, जब मेरे को प्रॉब्लम थी तब वो मुझे नहीं ले पाए, मेरे को 500 रुपए का ऑफर या 5,000 का या फिर 10 लाख का, या ऐसे बढ़ते रहे ऑफर, हर दिन आते रहे, आज 75 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं। मैं नहीं जाने वाला सर, आपको प्यारे नहीं 75 करोड़ हैं, आपके पास हैं ऑलरेडी, नहीं एकदम नहीं है, अरे सपना होता है किसी का, आप जाओगे नहीं, आप इन्वेस्टमेंट लोगे नहीं, लूंगा किसी, ये ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे, आप बनाओगे अपने सपोर्ट से पूरी फ्यूचर जनरेशन के लिए। थोड़ा ऑनेस्ट हो जाते हैं और हिंदुस्तान के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। आप सुनो एक मिनट, मैं बोला नहीं बट आज बोलना जरूरी है। समीर सर एक चीज बताइए, आज हमारे साथ 16 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, अब ये जो कंटेंट अनअकैडमी जेई पे है ना, इतना सारा जेई का पूरा कंटेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11 12 है या नहीं है सर, सारी चीजें डीपीपीज भी है सर, कोटा का हर एक बच्चा देख रहा था 2 साल पहले तक,
एक एक बच्चा देख रहा था, आज कोटा में कोई जाता नहीं उसका, बट कोटा के सारे एजुकेटर्स अनअकैडमी पे हैं। अगर मैं डिजिटल वीडियो बुक की बात करूं, आज सर मैं बोलूं कि यार ये कंटेंट नहीं रहेगा, कल से मेरे सारे वीडियोस प्राइवेट, ऑल द वे या तो वीडियोस डिलीट हो जाएंगे या प्राइवेट हो जाएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मैं बोलता हूं कि अगर तुम्हें ये वीडियो देखना है तो तुम इस कंटेंट के लिए पे करो। आप मुझे बताओ बच्चों, आप अभी चैट में लिख के बताओ, इन द लाइव चैट लिख के बताओ, 16 लाख में से कितने बच्चे पे करते हैं? अगर मैं खाली बोलता कि 3000 रुपए दे दो, अभी मैच करेंगे, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, हमारी मैच होती, बहुत बड़ी मैच है सर, एक बार करते हैं। इन द चैट बॉक्स लिखो कितने बच्चे खरीदते हैं, इन द चैट बॉक्स लिख के बताओ अभी मेरे को, अभी लिख के बताओ विदाउट इंटरेक्शन, अभी लिख के बताओ कितने बच्चे खरीदते हैं। नहीं सर, एक हद होती है यार, अभी गुस्सा आता है तो आता है, बिल्कुल बताइए कितने, कोई गेस करो 16 लाख स्टूडेंट्स में से कितने बच्चे वो देते हैं, बताओ कितने बच्चे? 16 लाख तो नहीं देते, हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं उसको, सर 10 लाख करिए, इनटू 10 लाख करिए, कितना होता है देखिए, एक मिनट, इंस्टेंटली अगर हम बोलते हैं कि खाली कितना होता है, 3000 रुपए, खाली 3000 रुपए है ना, सब लोग 3000 रुपए देंगे, सारे वीडियोस आपके लिए ओपन हो जाएंगे, 300 करोड़ है ये, 300 करोड़ है ये। अब सर एक काम करिए, इसको डिवाइडेड बाय 12 करिए, है ना, इसको डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, देखते हैं, है ना, हवाई जहाज आता है या मर्सिडीज आती है सब पता चल जाएगा, रुको, है ना, रुको, हाँ बताइए, करिए, दैट इज 25 crores। पर कोई ग्रेजुएट होके भी चौथी फेल कैसे हो सकता है? बनाओ तो ऐसा बनाओ कि लगे बच्चों को कि हाँ तुम मतलब बच्चों को कंट्रोल कर रहे हो, तुम ऐसा होना चाहिए ना तुम्हारा, ऐसा कैसे बोलते हो तुम? पहले तुम खुद ही बोलते हो कि इतना इनटू इतना करते हैं, ठीक है, मैंने इनका एक वीडियो देखा, उसमें इन्होंने क्या बोला कि देखो कितना पैसा कमाते हैं, इतना इनटू इतना करते हैं, इतना हो जाता है, ठीक, नीचे बच्चों ने ही कमेंट लिखे थे, अपने 15 लाख इनटू 27,000 करके दिखाओ मतलब इनके मतलब कैलकुलेटर हमारे लिए और तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम्हारे लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर लाएंगे क्या कैलकुलेटर फोन वाला हमारे लिए चला रहे, ठीक है, तो अपने लिए भी चला के बता दो बच्चों को एक बार। के बताओ एक कोई फैन क्लब चल रहा है, लेट्स से उसके अगर 2 लाख या लेट्स से 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप मुझे एक चीज बताओ वहां पे वो जो इंसान वो डालना चाहता है वो डालता है, अब उसकी उसके नाम से ना है, ऐसा लगे नहीं कि उसके नाम से आ रहा है, ये चीज मुझे प्रूफ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, साइबर सेल को अगर पता करना हो ना तो पता कर सकता है कि वो क्या फैला रहे हैं, ये साइबर बुलिंग है। वाला का 20% देने का 75 करोड़ रुपए ऑफर किया था इन्होंने आज से 3 महीने, 20% का बोल रहे थे, 75 करोड़ रुपए लेके चलते हम करेंगे क्या, 75 करोड़ का आएंगे क्या करेंगे, जरूरत ही नहीं, हमारा बच्चा बैच से ही पैसा दे देता है, हमारा काम उसी में चल जाता है, हम लेजर पहनते हैं, कमी किसी चीज की घड़ी पहनते हैं, माँ भी है, वाइट बोर्ड स्मार्ट बोर्ड है, क्या कमी है, कमी अपने पास कार है, अपने पास बॉडी कोई स्पोर्ट है, एकदम कोई दिक्कत नहीं जिंदगी में, कहते हैं आपके साथ आलिया भट्ट खड़ी कर दे, कहे भैया आलिया भट्ट खड़ा करके हम क्या करेंगे, सही हमसे ही बोला था, अलग जी आपके जीवन में जो सपने हैं, अलग जी आपके जीवन में जो सपने हैं, आपने अगले 10 साल के जो सपने देखे हैं मैं आपके 10 दिन में पूरे कर दूंगा, आपके बगल में मैं आलिया भट्ट को लाके खड़ी कर दूंगा, अगर आप कहते हैं कि आलिया भट्ट से आपकी शादी करा दूं तो वो मैं नहीं करा सकता, पर आप कहें आलिया भट्ट को आपके चैनल पर खड़ा कर दूं मैं कर सकता, मैंने कहा मुझे आलिया भट्ट को नहीं खड़ा करना है, मुझे परम श्री एससी वर्मा सर को खड़ा करना है, आप 100 लेके आओगे हमको 100 नहीं चाहिए तो क्यों ले जा रहे हो, फिर क्यों ले जा रहे हो, कुछ तो आप एकदम क्लियर स्टेटमेंट बोला गया था, एकदम क्लियर स्टेटमेंट, हंसी मजाक बोला गया था बट एकदम क्लियर था कि आप इसी तरह से और मीडियोकर टीचर्स लाते जाओ, हम उनको करोड़ों में लेते जाए, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, आप इसी तरह से और मीडियोकर टीचर लेते जाओ और उनको करोड़ों में खरीदते जाएंगे। अच्छा हंसी मजाक बोला गया था बट बात से मैंने पॉज दिया, मैंने कहा सर ले तो जाओगे नुकसान बच्चों का करते हो आप लोग हर बार, पॉइंट यही है कि मतलब सिस्टम को डिस्टर्ब करने में दिक्कत नहीं है, बच्चों का लॉस होता है। यूट्यूब को, बड़े बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को जो हमारे पास झोला भर के पैसा लेके आते रहे हैं, आज भी आते हैं, उनको हिलाने वाले हैं, द प्राइस ऑफ हाफ डिकेड इज कमिंग सून, वी आर वर्किंग ऑन दैट। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो हकदार होगा। ये सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड है, तुम्हें क्या लगा, बस इतना ही, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वेट फॉर टीजर नंबर 2।
of Surprise of Half Decade releasing on 16th May. अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो दादा फिजिक्स वाला कॉन्फिडेंट है, फिजिक्स वाला खड़ा है पूरे इंडिया को फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एट द लोएस्ट प्राइस और ऑलवेज फ्री। और यहां पे हम लोग कहीं नहीं रुकने वाले हैं, हम लोग कहीं नहीं डरने वाले हैं, हम लोग कहीं नहीं झुकने वाले हैं, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, हम कहीं नहीं डरने वाले, हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब एक लेकर जाओगे मैं 100 अलग बांटने फिर से कर दूंगा। हमारे पास ऑफलाइन के स्टार्स हैं, ऑफलाइन के स्टार्स हैं जो डिजर्व करते हैं वो रिकॉग्निशन, हम उनको लेकर आए। इस देश को हम एजुकेशन को, इस देश की एजुकेशन को हम सस्ते से सस्ता बनाएंगे। हम कहीं बात करने नहीं जाएंगे, बच्चों कहते हैं कि बिल्कुल जरूरत नहीं, फिजिक्स वाला है, यहाँ पैसा नहीं, यहाँ बच्चों का प्यार चलता है। ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए और हमारी राह में ऐसा बड़ा बड़ा कट है, पर यही वो सबसे बड़ी गलती, हमको साला छलांग लगाना सिखा। समय आएगा तब से ऊंचा, तब से लंबा, तब से बड़ा छलांग हमें ही मारेंगे। History tells us the powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी को थोड़ा सा वो जरा सा हो गया। फिजिक्स वाला के थ्रू हम लोग हर एजुकेशन के डोमेन में जा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डोमेन्स को भी रेवोल्यूशन की नीड है। एजुकेशन को सस्ता करना हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स वाला के थ्रू आई टी नहीं है, हम हर जगह आएंगे, हम हर जगह घुसेंगे, हम एजुकेशन को सस्ता करेंगे। आप कुछ भी कर लो हमको आप रोक नहीं पाओगे। हमारे पास इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स का सपोर्ट है, हमारे पास इंडिया के बच्चों का सपोर्ट है, हमारे पास हमारी टीम का सपोर्ट है। हम SSC में घुसेंगे, हम UPSC में घुसेंगे, हम बैंकिंग में घुसेंगे, हम NDA में घुसेंगे, हम फैशन टेक्नोलॉजी में घुसेंगे, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट घुसेंगे, हम कंपनी सेक्रेटरी घुसेंगे, हम MBA में घुसेंगे, हम हर तरह का एजुकेशन को लेवलाइज करेंगे और एजुकेशन को सस्ता और क्वालिटी एजुकेशन हम लेके आएंगे। सो दैट इज द थॉट बिहाइंड द सेकेंड सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड एंड दैट इज CW Competition Wala. That is the fourth surprise of half the game for you. That is the distance learning program of Physics Wala. Ek baar Physics Wala open ho jaye office mein. Okay. Yahan pe aasi tarah aur ek shayad aapke upar ek segri baat. Theek hai. So aasi tarah yahan pe bachcho this is the distance learning program. Isko bahut jald launch karne wale hain. Sabse pehle hum log ka NEET ka distance learning ka program aayega. That is the fourth biggest surprise. Ab bachcho aap hard copy bhi hamari dekh sakte ho. Aap padh sakte ho usse. Physics Wala unko support karega is baar mein with a scholarship worth of rupees 5 crore rupees. तो बच्चों ये स्कॉलरशिप हमारे उन बच्चों के लिए जो इस साल IIT JEE और NEET का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे और सिर्फ इस वजह से अपना एडमिशन छोड़ेंगे या इस वजह से कोई पीछे का IIT करेंगे या इस वजह से अपना मेडिकल कॉलेज छोड़ेंगे। मैं किसी का शायद छोटा मोटा कोर्स कर लेता हूँ, मेरे पास वहाँ जाने के पैसे नहीं है, उन बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे विद स्कॉलरशिप ऑफ 5 crore। कैसी हाँ सर, हैप्पी बर्थडे, कितना सर बर्थडे हो ही जाए बात इसी बात। चलिए आपके सर बेटी का नाम हो जाए सर, रिपीट Kyra opened the chat. God bless Kyra. So one person is missing who is very important for me and for us, who was there for the whole journey. His condition is that he will not be able to come. This won't have been possible without him. Anyways, और भी चीजें जो नहीं हो पा रही, तो अब हम लोग केक कट करेंगे। कुछ दिन सर अपना बर्थडे नहीं, Kyra का बर्थडे बनाएंगे। So Kyra का अपना बर्थडे बनाएंगे। So let's start. सर मुंह मारने आने वाला नौ तो अब लग रहा है मैं बच्चों का वीडियो बनता है, कहेंगे सर खाना भी दिखा दोगे। अरे
तो बच्चों अब ये यह हमारी कार है और यह हमें और यह हमारी पार्टी हो रही है। ये हम हैं और ये हमारी टीम है और ये हमारी पार्टी तक के लिए ओके। आनंद सर मैं हमेशा कहते थे क्रिएटिंग जीनियसेस 30 एट अ टाइम, लेकिन एक्चुअल में ही वाज चेंजिंग लाइव्स थाउजेंड्स एट अ टाइम। कि जब एक घर में बच्चा पढ़ लेता है ना, तो उस घर का, उस परिवार का, माता पिता का, आने वाली सात पुश्तों का, सबका लाइफ हमेशा के लिए बदल जाता है, फॉरएवर। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, जब मैंने प्रोडक्ट स्टार्ट किया, तो आनंद सर वाज माय इंस्पिरेशन और वो जो काम कर रहे थे वो मेरे आज भी इंस्पिरेशन है। प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे। सर मेरी वाली तो कभी थी ही नहीं। प्यार के हसीन बेमौसम नहीं। लता दी और किशोर गाते थे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, अरे रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तो चलिया। Thank you all of you. Bye bye. पढ़ाई करते रहें, all the very best.